श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की हलोल गुजरात में श्री राम शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। और आज पहले दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं, तो आज की कथा की हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज ही की तस्वीरें हैं, तो आप इसका भी आनंद लीजिए और आज की कथा में जो बातें बताई गई हैं वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपायों के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं और दोस्तों गुप्त नवरात्रे में पांचवें दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से जिस बच्चा बच्ची या लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो तो उसे इस गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से 3-4 महीने के अंदर उस बच्चा बच्ची का विवाह पक्का हो जाएगा, अगर आपने इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से कर लिया है तो। ठीक है, तो इस उपाय में आपको लेना है एक आम का पत्ता, पर किस दिन लेना है? गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन, है ना। जब भी पांचवा दिन पंचमी तिथि पड़ेगी, मतलब 26 जनवरी 2023 को यहाँ पर पंचमी तिथि है, तो इस दिन आप लोगों का करना है एक आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाने हैं, एक हल्दी का और एक सिंदूर का। ठीक है, 2 स्वस्तिक आप लोगों ने बना लिया। अब दोनों स्वस्तिक के ऊपर जो आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया उस पर आपको रोली कुमकुम के चावल रखने हैं, और जो आपने यहाँ पर सिंदूर का यहाँ पर जो स्वस्तिक बनाया इस पर आपको हल्दी के चावल रखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चावल रखकर आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाकर उस बच्चे बच्ची के हाथ में आपको इस आम के पत्ते को पकड़ाना है और उसे किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे लेकर जाना है। ठीक है, किस दिन? पंचमी तिथि के दिन, गुप्त नवरात्रि की। वहां पर जाने के बाद अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर अपने बच्चे के हाथों से ही जो है उसे नीम के पेड़ के नीचे रखवा दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि ये जो विवाह है वो जल्द से जल्द पक्का हो जाए। आपका विवाह बहुत जल्दी पक्का हो जाएगा, ये बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिए। चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपको कर्जा से छुटकारा मिल जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सब जगह से आपके ऊपर जो है कर्जा यहाँ पर आ चुका है, तो दोस्तों कर्जे से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि वट वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वट वृक्ष के नीचे आप लोगों को क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे आपको लेना है एक लौंग ले लो, या लौंग का जल ले लो, मतलब एक लोटे में जल भरकर उसके अंदर लौंग डाल लो, कोई भी एक ले लो। ठीक है, उसके बाद में एक दीपक, गोलबाती का घी का, है ना, ये दीपक तैयार कर लो और किसी भी दिन यहाँ पर आप जाओ वट वृक्ष के नीचे, वहाँ पर जाकर जल चढ़ा दो। ठीक है, या तो एक लौंग भी लेकर जा रहे हो तो उसका भोग लगा दो, या जल लेकर जा रहे हो लौंग का तो जल चढ़ा दो, उसके बाद वहाँ पर दीपक जला दो, उसके बाद वहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान हमारे ऊपर ये कर्जा है इससे आप हमें छुटकारा दिला दीजिए और निश्चित ही आपका जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाएगा और वो कर्जा जो है उससे आपको जो है यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही विशेष उपाय, ज़रूर करके देखिए। अगले उपाय की बात करें तो ये नौकरी के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारे लोग आज परेशान हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है, तो सच्चे मन से शिव महापुराण कथा का ये उपाय करके देख लेना, आपकी नौकरी पक्की बिल्कुल पक्के में लग ही जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे होंगे वो प्रातःकाल सुबह सुबह शिवजी पर जल चढ़ाने जाते ही होंगे। ठीक है, नहीं भी जाते हो तो भाई ये उपाय अपनी नौकरी के लिए एक बार करके देख लेना, फिर आप रोज़ यहाँ पर शिवजी पर जल चढ़ाने जाने लगो, क्योंकि आप भी कहोगे कि हाँ शिव महापुराण कथा के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही मतलब असरदार होते हैं, ना, भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है क्योंकि उनमें। तो आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है। धतूरा कहाँ पर मिलेगा? धतूरा जो पेड़ होता है एक छोटा सा, उसमें आपको धतूरा मिलेगा, या आपको कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आपको धतूरे का पेड़ मिल जाए एक धतूरा तोड़ लो। ठीक है, और या तो नियम बना लो कि प्रतिदिन एक धतूरा आप लोगों को तोड़ना है, या कहीं से अगर मिल रहा है तो भाई वहां से एक धतूरा लेना है, शिवजी के मंदिर जाकर जल चढ़ा रहे हो तो ठीक है, नहीं चढ़ा रहे हो तो एक धतूरा जाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है, प्रतिदिन नहीं कर सकते, हर सोमवार को करो। हर सोमवार को भी नहीं कर सकते तो आप पूरे हफ्ते में किसी भी एक दिन नियम बनाकर कर लो और पूरे महीने जो है उस नियम का पालन करो। ठीक है, और धतूरा आप शिवजी पर चढ़ाओ, निश्चित ही आपकी नौकरी बहुत जल्द लग जाएगी। ठीक है, जब धतूरा चढ़ाओ तो भगवान शिवजी से विनती करना कि हमारी जो नौकरी है वो पक्की हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए। ठीक है, ऐसी विनती करते हुए आपको इस उपाय को करना है, बस धतूरा चढ़ाना है। ठीक है, जल लेकर जा रहे हो, पूजन अर्चना करने जा रहे हो तो पहले जल चढ़ा दो, पूजन अर्चना कर लो, उसके बाद धतूरा चढ़ाओ, है ना। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे, कोई मतलब कभी कोई आपके घर के सदस्य के ऊपर कोई बड़ी रोग बीमारी ना आए, तो भाई आपको महीने में बस एक बार इस उपाय को करना चाहिए। किसी भी दिन कर लो, पर महीने में एक दिन जो है नियम बनाकर जो है बस महीने में एक दिन आप यह उपाय करके देख लो। ठीक है, आपके घर में कभी कोई बड़ी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आने भी वाली होगी तो इस उपाय करने के बाद वो नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं से जो है दूर चली जाएगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है
कि महीने में एक दिन कोई सा भी ले लो, उस दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह एक लोटा जल लेना है। उस एक लोटे जल के अंदर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दूध डालना है, कच्चा दूध, शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं, कच्चा दूध ले लो। भले ही एक चम्मच मिले पर शुद्ध होना चाहिए, शिव जी को हमेशा शुद्ध चीज़ें जरूरती हैं। तो आपको एक चम्मच यहाँ पर दूध लेना है और उसे जल के अंदर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों 5 काली मिर्ची, कितनी, 5 काली मिर्ची, क्या होता है जो गोल गोल होती है ना काले कलर की, वो 5 काली मिर्ची आपको उसी जल के अंदर डाल देनी है। अब जल के अंदर डालने के बाद दोस्तों क्या करना है कि 5 काली मिर्ची जल के अंदर डालने के बाद, तो 5 काली मिर्ची आप लोगों को अपने जल के अंदर डालने के बाद इस जल को लेकर जाओ आप शिव जी के मंदिर में, ठीक है। शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह जाना है इस जल को लेकर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करना। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को समर्पित करना है। पर जब आप जल को समर्पित करेंगे तो उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण भी करना है, मतलब मन ही मन कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते रहना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का जाप करो और जल को धीरे धीरे एक धारे से समर्पित करते जाओ। निश्चित ही आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है, महीने में एक बार करना है, रोज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। दोस्तों हमने आपको पूरा कथा पंडाल यहाँ पर अभी घुमाया है, आप लोग देखते जा रहे होंगे, तो ये पूरी दुकानें जो लगी हैं, पूरा कथा का जो एरिया है वो पूरा हमने आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पर कई प्रकार की दुकानें भी लगाई गई हैं और छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, सभी प्रकार की यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, आज कथा में क्या बताया वो हम आप लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों कई सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि भाई कथा को सुनने से क्या होता है, पंडित जी ने बताया कि कई सारे लोग अगर आपसे ये कहें, कोई भी पूछता है कि भाई कथा को सुनने से क्या होता है, तो भाई उनको एक बहुत अच्छा जवाब दे देना, तुम कथा को सुनना शुरू कर दो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि शिव महापुराण कथा को सुनने से क्या होता है। यहाँ पर हज़ारों लोग मतलब अपना घर छोड़कर 7 दिन के लिए शिव महापुराण कथा को सुनने आते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं, वो शिव महापुराण कथा पंडाल में रुकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, जब ही तो लोग आते हैं ना। और दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर यह बात बताई है कि अगर आप लोग शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, अपने टीवी से सुन रहे हैं या अपने मोबाइल से सुन रहे हैं या कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, अगर आपको कथा सुनते समय आपके रोम जो हैं वो हो जाए, मतलब कि जो आपके रोम छिद्र होते हैं ना, मतलब जो आपके रोम होते हैं, अगर वो खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगे अंदर से एक ऊर्जा सी अगर आपको लगने लगे, तो भाई आप ये समझ जाओ कि अब भगवान शिव आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको ये अनुभव हो गया है कि भाई ये जो मतलब भक्त है ये बहुत ही आस्था में डूबा हुआ है, भगवान शिव जी की आस्था में यहाँ पर डूबा हुआ है, ठीक है। तो कथा सुनते सुनते अगर आपके रोम खड़े हो जाएं, आपको अंदर से एक शक्ति का एहसास होने लगे, तो आप ये समझो भगवान शिव जी की कृपा आप पर धीरे धीरे होने लगी है ना। तो ये बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगली जो बात बताई है वो ये है कि वहाँ पर मतलब जो हलोल में ये जो कथा चल रही है गुजरात में, यहाँ पर जो भोजन भंडारा रखा गया है, यहाँ पर एक बहुत विशेष बात यहाँ पर बताई गई, सबसे अलग भोजन भंडारा यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो भोजन भंडारा यहाँ पर रखा गया है श्री राम जी मंदिर में, मतलब कि यहाँ पर खाना बनाने वाला कोई हलवाई नहीं है, यहाँ पर खाना बनाने वाले मतलब जो है सीता जी पूरी व्यवस्था देख रही हैं, राम जी यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखकर खाने की वो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई हलवाई खाना नहीं बना रहे, स्वयं राम जी और माता सीता जी खाना बना रही हैं, ठीक है। मतलब भोजन प्रसादी वितरण का जो है वो पूरा राम जी मंदिर में ही किया जा रहा है, तो ये बहुत अलग बात है और सब कुछ राम जी की कृपा से ही हो रहा है। और पंडित जी ने बोला कि शिव कथा करवाने वाला कोई नहीं है, शिव जी ही कथा करवा रहे हैं, शिव जी ही सुन रहे हैं, शिव जी ही पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्था ऐसे कोई आम आदमी तो नहीं संभाल सकता यार, है ना। तो उसके बाद में दोस्तों अगली जो बात बताई है वो ये बताई है कि वक्ता के कहने पर, मतलब पंडित जी ने बोला है कि कोई अगर महापुरुष है, कोई आपको ज्ञान की बातें बता रहा है, वक्ता के कहने पर अगर आप सुधर गए, सुनना, वक्ता के कहने पर अगर आप सुधर गए तो भी आपका वक्त बदल जाएगा, मतलब आप सफलता की सीढ़ियों पर धीरे धीरे करके चढ़ते जाएंगे। अगर आपने वक्ता की किसी महापुरुष की बात को सुनकर अपने जीवन में अपना लिया, और अगर आप अपने ही घमंड में रहे कि नहीं हमें तो सब आता है, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब आता है, अगर आप ऐसे अपने ही घमंड में रहे तो भाई आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा रोने के अलावा, आप रोते रहोगे और कोई आपका साथ भी नहीं देगा। इसलिए दोस्तों वक्ता की बात सुने, वक्ता की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उससे कुछ सीखें और कुछ अपने जीवन में भी उसे उतारें, ठीक है। तो पंडित जी ने यहाँ पर यह बात बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर दान की महत्वता को आज बताया है कि अगर आप लोग दान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर दान पुण्य करने के लिए कभी भी आप समय ना देखें, कभी भी आप कोई ऐसी चीज़ ना देखें कि भाई हाँ अब इस समय दान करना है। दान करते समय ना आपको समय देखना है, ना ये देखना है कि वो दान कितनी कीमती है, और ना अपनी प्रशंसा करानी है कि आपने दान किया है। अगर आप दान कर रहे हैं और उसका फल पूरा पाना चाहते हैं तो ऐसा दान कीजिए कि हाँ आपने अपनी तरफ से दान कर दिया, और दान करने के बाद आपको अपने नाम की वाहवाही नहीं चाहिए। आपने दान कर दिया, अगर वो सामने से बोल रहे हैं अपने मन से
तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो है अपना दान इसी प्रकार से करना चाहिए, ना समय देखना चाहिए, ना वक्त देखना चाहिए, और ना उस वो दान को कीमती देखना चाहिए कि वो कितना कीमती। दान करने का मन में भाव आया तो आप उस दान को कीजिए, ठीक है। बहुत ही विशेष फल देखने को मिलेगा अगर आपने इस दान को जो है किसी को ना बताकर दान किया होगा। तो यही सब कुछ बातें आज की कथा में पंडित जी ने यहाँ पर बताई हैं। तो ये कथा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, खास है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कथा का पंडाल आज पहला दिन था, तो यहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, ठीक है। पर आज पहला दिन था तो लोग आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, अभी भी हम वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग तो अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं, ठीक है। बाकी भोजन की, चाय की, सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वहाँ पर सभी कुछ, यहाँ पर जो भी वहाँ की समिति है सभी चीज़ें जो है अच्छे से की गई हैं यहाँ पर, है ना। तो आपके सामने पूरी व्यवस्था हमने आपको दिखा दी है, और सुबह के समय आपको ये पूरी व्यवस्थाओं की वीडियोस दिख मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों एक और चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया, जिस पर हम आप लोगों को कथा से जुड़ी हुई छोटी छोटी वीडियोज़ की क्लिप जो रहेंगी, जो वहाँ पर जो जो हो रहा है वो हम पूरा उस चैनल पर डाल के दिखाते रहेंगे। चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि भाई आपको हर कथा की, मतलब सिर्फ यही कथा नहीं, अब हर कथा जितनी भी कथा होने वाली है, रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है, उसकी पूरी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। और ऐसा नहीं कि अभी बता दिया बाद में छोड़ दिया चैनल को, नहीं नहीं, अब आपको जो है लगातार इस चैनल पर जो है इस पर तो मिलेंगी, साथ ही में वो जो आप दूसरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसका नाम हमने प्रदीप मिश्रा ब्लॉग्स रखा है, तो आप वहां पर जाकर जो है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो वीडियोज़ रहेंगी वो आपके पास आएँ तो भाई आपको पता लग जाए और आप उन वीडियोस को देख लो, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो बस यही कुछ बातें और उपाय पंडित जी ने अपने आज की कथा में बताया, कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।